टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती सकाफती सयाती मंसूबों के साथ साथ वहां की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। आज की खबरों का आगाज हम करते हैं श्रीनगर में होने वाली एक 3 रोजा कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो प्लांट बायोलॉजी के जदीद तरीकाकार से मुतल्लिक है। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेग्रेटिव मेडिसिन ने किया था। इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया भर से प्लांट बायोलॉजिस्ट ने शिरकत की, जिन्होंने अपने रिसर्च को पेश किया। एक्चुअली अगर हम देखें, कश्मीर की इकॉनमी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पे बेस्ड है, प्लस जो कश्मीर हिमालय है, कश्मीर हिमालय इज़ होम टू अ वाइल्ड स्पेक्टेकुलर वैरायटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो अब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि हम हमेशा अपडेटेड रहे कि प्लांट बायोलॉजी में क्या ट्रेंड चल रही है, क्या रिसेंट टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ है, ताकि हम बेस्ट यूज़ कर सकें अपने रिसोर्सेज का। कॉन्फ्रेंस ट्रिपल आई एम जो जम्मू का है, उनकी श्रीनगर ब्रांच है यहाँ पे, तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी है रीसेंट रिसर्चेस प्लांट बायोलॉजी के ऊपर, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट प्लांट के ऊपर काफ़ी काम करता और प्लांट्स के अंदर जितने केमिकल्स होते हैं उनको देखते हैं और बहुत नेचुरल कंपाउंड सिंथेटिक कंपाउंड्स बनाते हैं लोग, तो उसी के बारे में ब्रॉड जितना भी काम प्लांट बेसिस पे हो रहा है, तो उसके ऊपर इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस जो है एक गैदरिंग है जो कि पौधे में काम करते प्लांट बायोलॉजी में, इट इज़ अबाउट रिसेंट ट्रेंड्स ऑन प्लांट बायोलॉजी। सो इट हैज ए गैदरिंग ऑफ वेरियस साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड इन इंडिया हु आर वर्किंग ऑन प्लांट्स ऑन डिफरेंट आस्पेक्ट्स लाइक हाउ प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्ट्रेस and how plant produce various chemicals which are having human uses like as flower, aroma and medicine so on. So it is about to discuss those recent trends, what is going on around. जम्मू कश्मीर की आवाम को तरक्की और कामरानी की राहों पर डालने की खातिर मरकजी और मकामी हुकूमतें मिलकर बहुत सारे मंसूबे पाया तकमील तक लेकर जा रही हैं। इसी सिलसिला में महकमा बागवानी ने बागवानों की ट्रेनिंग की गर्ज से अनंतनाग के मकाम पर एक कैंप का इजरा किया। इस कैंप का मकसद इलाके के बागवानों को सरकार की तरफ से मौजूद मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में भी आगाही देना था। इस कैंप में लोकल पंचायतों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की।
प्रोग्राम का मकसद ये था कि हम लोगों को बताएं अपने डिपार्टमेंट के बारे में कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास स्कीम्स है, लोगों को बेनिफिट देने के लिए सब्सिडीज़ अवेलेबल है, क्या उनको डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में पता है, क्या वो सब्सिडीज़ अवेल करते हैं जो स्कीम्स में है, उसके बारे में लोगों के साथ बातचीत करनी थी। अवेयरनेस कैंप के लिए आए थे, ये मंडे अवेयरनेस कैंप है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मुनक़द हुआ है यहाँ। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, ये जो आजकल जो लीफ माइनर और स्पाइडर माइट और दूसरी जो बीमारियाँ लगी है उनके बारे में हमें आगाह किया गया है, कैसे कैसे दवाई करनी है। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, एक दिन का किसान मेला, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को अभी तक मिला है। अभी यहाँ पर डायरेक्टर साहब जो आए हैं उन्होंने बहुत से मतलब स्कीम्स के बारे में यहाँ पे बताया कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में शिकारा रैली का इफ्तिताह किया। इस रैली का एहतमाम सैयद कमरुद्दीन बुखारी के उर्स मुबारक के मौके पर किया गया था। 33 बरस बाद इस रैली को फिर से शुरू किया गया है। इस रैली का एक मकसद वादी कश्मीर डल लेक में पानी की ट्रांसपोर्टेशन के इंतजाम का भी जायजा लेना था। कि अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनली जो है ये वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता था टूरिज्म के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि हमारी जितनी खूबसूरत जगह हैं, चाहे श्राइनस हमारे हों, चाहे पिकनिक स्पॉट्स हों, इवन म्यूज़ियम हमारा है, वो दरियाई जहलम के किनारे है, और लोग यही रूट अडॉप्ट करके जो है यहाँ इवन टूरिस्ट यही रूट अडॉप्ट करके उन चीज़ों को देखते थे। और ख़ासतौर से जो हमारा शहर खास है वो सारे का सारा इसी दरिया के किनारे पे है, और वहाँ की खूबसूरत चीज़ें हैं और जो हमारी हमारा हेरिटेज है वो लोगों को देखने का तब मिलेगा जब ये वाटर ट्रांसपोर्ट जो है रिवाइव हो जाएगा। देखिए, एक कमरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह की ज़ियारत है गांदरबल में, उनका एक एनुअल यहाँ फीचर होता था हिस्ट्री में कि यहाँ से लोग जाते थे, नाव में जाते थे और गांदरबल जाते थे, अकीदतमंद जो थे, उसका रिवाइवल है। वाटर ट्रांसपोर्ट का भी एक रिवाइवल जो बहुत टाइम से चल रहा है, उसका एक कल्चरल एस्पेक्ट भी है।
इनने बहुत मेहनत की है, जो ये लोग पीपल हु बिहाइंड द आइडिया, एंड आई एम हैप्पी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको टेकअप किया है। आज का जो इस ये प्रोग्राम जो है आज का, बहुत दिनों के बाद, अगर हम बताएं दिन तो नहीं है, बहुत सालों के बाद, तो यानी 33 साल के बाद, ये बेसिकली कमर योम कमरुद्दीन साहब बुखारी, कमर साहब बुखारा से आए और गांधरबल में सुकूनत पजीर रहे, आज 33 साल के बाद रिवाइव हो रहा है ये सर। तो इसमें तो गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया है, तो हमने भी इसको हम वेलकम करते हैं। और इसमें आजकल वहाँ भी वहाँ प्रोग्राम चल रहा है, ऑलरेडी 2-4 पार्टियाँ हमने रखी हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और ये वहाँ महफिल समा होगा, और यहाँ से ये ज़ीरो ब्रिज, तो ये पहला ही ब्रिज बन गया, यहाँ यहाँ से हम सीधा अपने किश्तियों में जाएँगे। श्रीनगर में समर आइस स्टॉक चैंपियनशिप का भी एहतमाम किया गया। माई यूथ माई प्राइड के झंडे तले इस चैंपियनशिप का एहतमाम हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। आज हम यहाँ जमा हुए हैं जे एंड के स्टेट चैम्पियनशिप ऑफ आइस स्टॉक स्पोर्ट, ये इसका समर वर्जन है। ये गेम इंटरनेशनल ओलंपिक्स में रिसेंटली 2020 टोक्यो ओलंपिक में कंफर्म हुई है, और अभी इसका समर वर्जन चल रहा है, क्योंकि प्लेयर्स को, ये है तो एक्चुअली विंटर गेम, बट क्योंकि विंटर 3 महीने के लिए होता है और प्लेयर्स को 9 महीने बिठा नहीं सकते, सो द फेडरेशन क्रिएटेड अ समर वर्जन, जिसके लिए एक स्पेशल प्लेट बनाई गई है, जो ब्यूटामिन पे चले, या आप मेरे पीछे देख रहे एसफॉल्ट का ये लगा हुआ, इस पर चले, या टाइल्स होती है उस पर चले, तो सो दैट कि हर किस्म का लोग और हर जगह के, हर कंट्री के लोग कहीं ना कहीं पे इसको ट्रेन करते रहे। एक्चुअली ये गेम है बैलेंस की गेम, इसमें बैलेंस कोऑर्डिनेशन देखी जाती है, जो साइकोसोमेटिक जो फंक्शन होती है हमारे अंदर, जो हमारे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है, उस पर एक्चुअली गेम है। उसमें कैपेबिलिटी देखी जाती है, कैपेसिटी देखी जाती है, एक इंसान की बैलेंस कोऑर्डिनेशन कैसी है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन कैसी है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कितनी अच्छी है, उसमें एक्सेल, जो इस गेम में एक्सेल करेगा उसकी कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, वो सारे कंपोनेंट्स उसमें देखे जाते हैं। Today is a state level ice stock championship, and it's a great platform for us to present our talent before everyone. After qualifying state, we can go for nationals and internationals as well, so it's a very great thing for us.
आखिर में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कश्मीर के स्कूलों की बच्चों के गोल्फ कोर्सेज में हिस्सा लेने के हवाले से। एलजी साहब का हुक्म था कि ऐसे ऐसे कि इसमें मतलब ना गर्ल्स और बॉयज़ को दोनों को ट्रेन करना है, ठीक है। तो ये एलजी साहब की मेहरबानी है, इन प्लीट क्लासों को कम से कम ये चांस मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो किस तरह की ट्रेनिंग कितने दिनों तक रहेगी और कितना आपको लगता है रेस्पॉन्ड है इनमें, वो कुवत है कि अच्छा सीखे? ये 10 डेज के लिए कैंप है यहाँ पे, आफ्टर 10 डेज के बाद बॉयज़ का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद भी ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, इंशाल्लाह काफ़ी सारे गोल्फ एकेडमीज़ है उनमें भी उनको चांस मिलना चाहिए। तो पता है कि गोल्फ एक यूनिक गेम है और हर किसी को मौका नहीं मिलता है यहाँ आने का, सो वी फाउंड आवर सेल्स वेरी ग्रेटफुल टू यू सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स श्रीनगर एंड जे के टूरिज्म हु हैव टेकन दिस इनिशिएटिव स्पेशली फॉर गर्ल्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ मतलब years ago girls को जाना जाता था वो बहुत ही backward है हर एक चीज़ में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और girls के लिए specially ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो आगे बढ़ सके, अपने आप को दिखा सके कि वो क्या क्या नहीं कर सके। पिछले साल से ही स्टार्ट हो गया ये कैंप, ये गोल्फ ट्रेनिंग कैंप का, तो आज हमें मौका मिला है यहाँ पर एंटर भी होने का, क्योंकि यहाँ पर ड्रीम होता है हर एक का ये सीखे, क्योंकि एक यूनिक गेम है, ये महाराजाओं के ज़माने की गेम है और ये इसका किट भी बहुत एक्सपेंसिव है, ये हाई क्लास लोगों के लिए है और हर कोई खेल नहीं पाता है। तो इन लोगों ने जो जे के टूरिज़म ने और स्पोर्ट्स यूथ काउंसिल ने जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए स्पेशली, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टिसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।